गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेलकम आज का संडे में। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करने से पहले हमें शेयर करना है, ठीक है। अभी आप इस ब्रॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं अभी, ताकि उस लोग भी आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीख पाए, ताकि उस लोग भी जीसस के बारे में और जान पाए। तो अभी आप शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अभी शेयर करने के बाद हम एक गाना गाएंगे साथ में। उस गाना में कहता है कि My body is the temple of the Holy Spirit. Holy Spirit Jesus का spirit है। और इसमें बोलता है कि क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि हमारा बदन, हमारा शरीर ये Holy Spirit का temple है, ठीक है, जहाँ जीसस रहता है, ठीक है। तो अभी हम साथ में कहेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple and Jesus lives within me. My body is the temple of the Holy Spirit. और एक बार, My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is a temple and Jesus lives within it. My body is a temple of the Holy Spirit. Keep it tidy, keep it clean. Comb your hair, ooh la la. Make it sparkle, make it clean. Brush your teeth. My body is a temple of the Holy Spirit. Abhi hum हमारे स्पीड, गाने वाले स्पीड को हम लोग भराएगा, ठीक है। 2x करेगा, अभी डबल कर देगा। आर यू रेडी? 1, 2, 3 My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple and Jesus lives within it. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple and Jesus lives within it. My body is the temple of the Holy Spirit. Keep it tidy, keep it clean. Comb your hair, ooh la la. Make it sparkle, make it clean. Brush your teeth. My body is the temple of the Holy Spirit. Amen. तो ये गाना सामने क्या सीखा कि हमारा शरीर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का रहने जगह, हमारा मंदिर है, ठीक है। इसलिए हमें हर दिन ब्रश करना है, हर दिन हमें नहाना है, और हमें अच्छा कपड़ा पहनना, ठीक है, टाइडी अच्छा कपड़ा, ताकि हम स्मार्ट देखे, अच्छा से फिर पढ़ाई करना है, हमें ओबीडियंस होना है, अच्छा से खाना पीना है, ठीक है। और फिर हमें प्रेयर और प्रेस भी करते रहना, ठीक है। तो आज हम होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे। तो टीचिंग्स में जाने से पहले अभी हम लोग एक प्रेस करेंगे, ठीक है, साथ में। आर यू रेडी? लेट्स गो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. चलो अपने हाथ को उठाएंगे, फिर हम जीसस के ओर देखकर बोलेंगे,
Praise the Lord. Hallelujah. ठीक है, फिर आज हम होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे. ठीक है, होली स्पिरिट कौन है? शायद आपको थोड़ा सा पता होगा कि होली स्पिरिट जीसस का स्पिरिट है, लेकिन आज हम और थोड़ा जानेंगे ठीक है होली स्पिरिट के बारे में. तो फर्स्ट, होली स्पिरिट कौन है? तो उसको जन से पहले देखिए, हम लोग का गॉड तीन 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 भाग में होता है. ठीक है, तीन बनकर, तीन मिलाकर एक गॉड बनता है. ठीक है, तो हम लोग का एक होता है गॉड द फादर. ठीक है, फिर एक होता है होली स्पिरिट. ठीक है, स्पिरिट ऑफ गॉड जो होली स्पिरिट है. फिर और एक होता है जीसस क्राइस्ट. ठीक है, जीसस जिसको हम लोग जानते हैं जीसस. लेकिन तीनों मिलाकर हम लोग का गॉड बनता है. जब हम लोग गॉड बोलता है तो तीनों मिलाकर होता है. लेकिन आज हम लोग होली स्पिरिट के बारे में सीखेगा. तो होली स्पिरिट इधर कैसा आया? ठीक है, जब जीसस यहाँ में था, आर्ट में था, तो जीसस जाने वाला था, तभी उसने अपना डिसाइपल्स को क्या बोला था कि अभी हम जाने वाला है, लेकिन निराश मत हो क्योंकि हम किसी और को भेजेगा, ऐसा बोला. ठीक है, लेकिन तो बाइबल में क्या मेंशन किया? कंफर्टर, जो आपको आके कंफर्ट करेगा. ठीक है, जो आपको आके कंफर्ट करेगा, फिर आपको सिखाएगा, ऐसा बोला. जो आपको सिखाएगा बहुत कुछ, जो आपको सच्चाई के बारे में बताएगा, वो होली स्पिरिट को हम भेजेगा, ऐसा बोला जीसस ने. ठीक है, तो वो होली स्पिरिट अभी हम लोग का अंदर रहता है. ठीक है, अभी जो जीसस हम लोग का अंदर रहता बोलता है, तो होली स्पिरिट ही है वो. ठीक है, जीसस का स्पिरिट. तो जीसस ने उसको भेजा था. उसके बाद तो जीसस का ये जो प्रॉमिस था कि हम होली स्पिरिट को भेजेगा, वो कब कहाँ में फुलफिल हुआ, हम लोग एक्स चैप्टर में देखेगा. ठीक है, एक्स चैप्टर 2 में देखेगा. हाँ, एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 से 4 तक. ठीक है, दीदी अभी पढ़ेगा, फिर आप लोग सुनिए. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. ठीक है, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, सारा डिसाइपल्स लोग साथ में आए. ठीक है, सारा डिसाइपल्स और कुछ इंसान जो जीसस को फॉलो करता है, 120 इंसान लोग साथ में आए एक जगह में. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. उसके बाद वहाँ से एक हवा आया. ठीक है, बहुत जोर से हवा आया. वहाँ में जितना वो लोग जब साथ में प्रे कर रहा था, एक हवा आया, फिर वो जगह को भर दे जहाँ में उस लोग प्रे कर रहा था. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one set upon each of them. ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ में tongues हम लोग बोलते हैं unknown tongues. ठीक है, एक अलग अलग एक हेवन का भाषा बोलता है, वो सभी का ऊपर आ गया. एंड दे वेयर ऑल फील्ड विद द होली स्पिरिट. देखो इधर में क्या बोला, एंड दे वेयर ऑल फील्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगेन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस. उसके बाद उस लोग सभी लोग होली स्पिरिट से फील हो गया. तो ये होली स्पिरिट जो अभी आया, ये होली स्पिरिट जब जीसस जाने वाला था, जो वो अपना डिसाइपल्स को बोला था कि हम भेजेगा किसी और को, इसलिए हम जा रहे हैं, तो वो जो जीसस प्रॉमिस किया था वो इधर में फुलफिल हो गया. ठीक है, तो वही होली स्पिरिट अभी हम लोग का अंदर है. तो अभी देखो, अभी हम लोग का जो गॉड द फादर है, जो हम लोग का अबा फादर है, वो अभी कहाँ में है? हेवन में. ठीक है, थ्रोन में बैठा हुआ है. फिर अभी जीसस कहाँ में है? जीसस अबा फादर का राइट हैंड में बैठा हुआ है. ठीक है, राइट हैंड. लेकिन होली स्पिरिट जो अभी कहाँ में है? वो अर्थ में. अभी ठीक है, होली स्पिरिट अभी हम लोग का अंदर में रह रहा है. जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो होली स्पिरिट वहाँ में काम कर रहे हैं. ठीक है, जब दीदी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, जब दीदी क्लास 9 था शायद, तो हम लोग का स्कूल में संडे स्कूल करवाता था हम लोग का प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम. तो उधर में एक संडे स्कूल का दिन में दीदी पीछे में खड़ा होता, सबसे पीछे में. फिर उधर में जब प्रेयर का वक्त में दीदी को तो प्रेयर नहीं आता था, तो बस हैंड्स ज्वाइन करके ऐसा बस चुपचाप बैठा था, आंख बंद करके बैठा था. तो मेरा बदन वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ था, तो दीदी को समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्वस भी नहीं हो रहा था तभी, और कुछ भी नहीं हो रहा था. आधा सभी लोग आंख बंद था, आधा मेरा पूरा दोस्त लोग, लेकिन मेरा बदन वाइब्रेट होने स्टार्ट हो गया था. तो दीदी को अजीब लग गया, थोड़ा शर्म लगे कि क्या हो रहा था. दीदी अपना आंख खोल ले देखो. फिर उसके बाद और एक बाइबल कैंप हुआ बाद में, क्लास टेन में बाइबल कैंप हुआ एक. तो वो बाइबल कैंप में जब दीदी के, उधर में फिर सेम एक्सपीरियंस हुआ. उधर में भी बस ऐसे ही नॉर्मल से दीदी खड़ा हुआ था, अलग पूरा इंसान लोग पवित्र आत्मा में रो रहे, गिर रहे, लेकिन दीदी अंदर से सोच रहा था कि ये इतना झूठे इंसान लोग क्यों ऐसा नाटक कर रहे हैं. लेकिन उसमें भी दीदी का बदन में वाइब्रेशन हो रहा था, दीदी कुछ से बदन मेरा कांप रहा था, समझ में नहीं आता वो क्या है. फिर बाद में फिर जब एक चर्च में ज्वाइन हुआ, तभी दीदी को पता चला कि वो होली स्पिरिट का प्रेजेंस था. ठीक है, तो होली स्पिरिट सच में भी होता है. ठीक है, क्योंकि दीदी एक्सपीरियंस कर चुका है. तो जो होली स्पिरिट को दीदी ने एक्सपीरियंस किया था, वो होली स्पिरिट है जिसको जीसस प्रॉमिस किया था कि हम भेजेगा. ठीक है, तो अभी वो होली स्पिरिट ये अर्थ में, अभी वो होली स्पिरिट है. ठीक है, तो गॉड
गॉड हम लोग क्या आप लोगों को क्या बताए कि जीसस गॉड इज ओमनीप्रेजेंस, ठीक है, वो हर कहीं है, ठीक है, हर कहीं है, तो वो अर्थ में भी है, हेवन में भी है, हर कहीं है, ठीक है, तो हेवन में वो थ्रोन में बैठा हुआ, फिर इधर अर्थ में वो अर्थ में होली स्पिरिट का रूप में, ठीक है, और वो हम सभी के अंदर में रहता है। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टीचिंग्स में जाएगा, ठीक है, इसका ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि होली स्पिरिट कौन है। आप लोगों को पता चल गया होली स्पिरिट जीसस का स्पिरिट जो वो अभी भेजा है, ठीक है, तो क्योंकि जीसस अभी फिजिकली तो नहीं आ सकेगा, जीसस फिजिकली तो हर कहीं नहीं रह सकता, ठीक है, उस समय में जब जीसस हम लोग का इंसान वाला रूप में था तभी जीसस लिमिटेड था, ठीक है, वो हर कहीं नहीं जा सकता था, हर किसी के साथ नहीं रह सकता था, वो अपने डिसाइपल्स के साथ ही घूमता था। लेकिन जब जीसस बोला कि अभी हम जा रहे हैं ताकि हम किसी और को भेजेगा, वो था होली स्पिरिट, अभी देखो होली स्पिरिट अभी अनलिमिटेड है, होली स्पिरिट अभी हर कहीं है, होली स्पिरिट अभी हम लोग का साथ है, अभी आपका साथ भी, आप जहाँ भेज रहे हो वहाँ भी है होली स्पिरिट, अभी फिर आपका किसी और का आपका जो दोस्त है उस लोग का साथ भी होगा, अलग कंट्री में भी होगा होली स्पिरिट, अर्थ का चारों ओर अभी होली स्पिरिट है, ठीक है। लेकिन पहले जीसस एक ही जगह में रहता, फिर जीसस पहले बस गैलीली या फिर जेरूसलम, फिर उससे दूर नहीं जा सकता था, ठीक है, उसको वो अभी लिमिटेड था तब तक। लेकिन अभी जब होली स्पिरिट को भेजा तो अभी होली स्पिरिट हर किसी का अंदर रह सकता और होली स्पिरिट जहाँ भी अभी कुछ भी कर सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग और फिर नेक्स्ट प्रेस सॉन्ग में जाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट टीचिंग्स करेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टीचिंग्स में चलते हैं, ठीक है। तो अभी दीदी बताएगा कि जीसस का सीक्रेट क्या था। आपने सुना होगा कि जीसस ने इतना सारे हीलिंग्स किया, इतना सारा डीमन को कैस्ट आउट किया, फिर उसने मुर्दा वाला इंसान को भी वापस उठाया, लाजरस को उठाया,
अंधा वाला आंख को फिर दिखाया, फिर लंगड़ा वाला पाव को टिक किया, लेप्रोसी को भी टिक किया जीसस। लेकिन जीसस का सीक्रेट क्या था कि जीसस ये सब कर सक रहा था? क्योंकि जीसस का अंदर में होली स्पिरिट रहता था, इसलिए रहता है, ठीक है। जीसस का अंदर होली स्पिरिट है, इसलिए जीसस ये सब कर सका था। तो होली स्पिरिट था उसका सीक्रेट, ठीक है। अभी हम लोग एक बाइबल वर्स में देखेगा, मैथ्यू चैप्टर थ्री वर्स 16 में देखेगा, ठीक है। उधर देखो, उधर बोलता है, when he had been baptized, Jesus को बोला, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. तो Jesus को जब John the Baptist ने baptism दिया, उसके बाद Jesus जैसे ही उठा, ऐसे पानी से डुबकी लगा के ऐसा उठा, तो ऊपर से क्या, ऊपर से आया बोला, ऊपर से heaven खोल गया, फिर एक डोव, एक कबूतर का जैसे व्हाइट वाला चिड़िया होता है, उसका आने वाला दिखा, ठीक है। वो जो होली स्पिरिट को दिखाता है, तो होली स्पिरिट का ऊपर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बाइबल में लिखता है कि उसके बाद जीसस पूरा मिराकल्स करना स्टार्ट हो गया, जीसस पूरा गॉस्पल को प्रचार करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि होली स्पिरिट आ गया, ठीक है। लेकिन जीसस फिर हम लोग को ये पता है कि जीसस पैदा से ही होली स्पिरिट से भरा हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब मेरी जब प्रेग्नेंट होने से पहले एक एंजल्स आके बोला कि अभी आपका पेट में बच्चा होगा, तो वो जो होली स्पिरिट से देगा, क्योंकि मेरी एक वर्जिन था, ठीक है, वो तब तक शादी नहीं हुआ था, लेकिन भी वो प्रेग्नेंट हुआ, तो वो जो एक सुपर नेचुरल वाला था, मतलब होली स्पिरिट से जन्म दिया था। तो क्योंकि जीसस होली स्पिरिट से भरा हुआ था, इसलिए वो इतना सारा मिराकल्स कर सका, ठीक है। तो मतलब कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जीसस खुद बोला है कि हमको जो विश्वास करता है, वो हम मैंने जितना काम किया वो भी वो कर सकेगा, क्योंकि हम अपना होली स्पिरिट उसका अंदर में ढालेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चला ना आज, तो यहाँ तक हम लोग अपना सर्विस को रखेगा। तो हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं। अभी ऑफरिंग टाइम है, तो आप लोग ऑफरिंग्स दे सकता है। अगर आप लोग अंकल आंटी अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग सीट शो कर सकते हैं आप लोग का बच्चा का तरफ से, ताकि आप लोग का फैमिली में ब्लेसिंग्स आए, ताकि आप अपना बच्चा का फ्यूचर में ब्लेसिंग्स देख सके। आप अभी शो कर सकते हैं, अभी लिंक दिखाया जाएगा।